आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये असल था, और ये सूद। बिजनेसमैन हूं, हिसाब हमेशा बराबर करता हूं। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं आज? नथिंग। मुझे मिस्टर मुखर्जी से मिलना है। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की, छोटे लोगों से मिलना है। जब मुखर्जी का बॉस सामने खड़ा है तो उससे मिलने का क्या फायदा? तो आज के इस डांस का शुभ अवसर सूझे? मैंने पूरी रिसर्च कर ली है ओबेरॉय खानदान के बारे में। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो अपना शो शुरू करें। चलो, ओके। हाँ, ओबेरॉय फैमिली इंडिया की सबसे रिच फैमिली है। इस फैमिली की तीन एंट्रीज है। ये है सबसे पहला, शिवाय सिंह ओबेरॉय। सबसे बड़ा ही है। ये सही रहेगा, सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़ा भी है और उतना ही बड़ा खड़ूस है। एंगेजमेंट थी गई, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लिमिट। नेक्स्ट, ये है सबसे छोटा, रुद्र सिंह ओबेरॉय। पता है, 1000 के बिल में 10,000 रुपए देता है। ये तो इजीली बच जाएगा, क्यूट भी है। नहीं, दिन में 4 गर्लफ्रेंड्स बदलता है, रासलीला चैंप है। इसके पीछे तो लंबी लाइन लगती होगी, पता नहीं हैंडल कैसे करता है। नेक्स्ट, ये है मेरा टारगेट। ओमकारा सिंह ओबेरॉय। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में कदम तक नहीं रखता, आर्टिस्ट है और सेल्फ मेड करोड़पति भी। इसे फंसाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। पर जब ये फंसेगा तो पूरी तरीके से फंस जाएगा। तो अपना टारगेट फाइनल, सुपर फाइनल। ओमकारा सिंह ओबेरॉय, तारी तो लाइफ वाट लागवानी छे, जस्ट बी रेडी। आपका ऑफिस है? आप इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं? जितनी तुम दिखती हो उतनी बेवकूफ नहीं हो। हाँ, ये ऑफिस मेरा है, ये कॉलेज जहां तुम काम करती हो अब मेरा हो चुका है। जहां तुम खड़ी हो, जहां से आई हो, जहां जाना चाहती हो, ये सब कुछ मैं खरीद चुका हूं। इसका मतलब आपने मेरा टेंडर रिजेक्ट किया था? बहुत देर से समझ में आया।
यू नो व्हाट आई वाज रॉन्ग, आई टेक माय वर्ड्स बैक. जितनी दिखती हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ. कल सुबह मुझे कैंटीन के पेपर्स मिलने वाले हैं और उसके बाद सब कुछ सही होगा. ये तेरी अनिका दीदी का प्रॉमिस है तुझसे. पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस. मुझे वो टेंडर किसी भी हालत में चाहिए. तुम्हारे चाहने से दुनिया नहीं चलती. पर मैं वो टेंडर डिजर्व करती हूँ. तुम क्या डिजर्व करती हो मैं डिसाइड करूंगा. साउट अफोर्ड छे इतनी सारी गाड़ियां होकर भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है. मैंने टेंडर में बेस्ट प्राइस कोट किया था. किस चीज की क्या प्राइस है वो भी मैं डिसाइड करूंगा. आज कोई स्पीच नहीं दोगे. तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुददारी. मेरी ईमानदारी, मेरी खुददारी, मेरी मेहनत और मैं बिकाऊ नहीं है. तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या हुआ? एक रिजेक्ट किए हुए टेंडर के बारे में पूछने फिर से आ गए. मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर ओबेरॉय. उस दिन जो आपने पैसे फेंके थे उसमें से कुछ मेरी बुआ ने उठा लिए थे. तब से लौटाने के लिए लेकर घूम रही हूं. And the award for the best actor in a khuddar role goes to Anika. Surname kya hai? शिवाय सिंह उब्रोय मेरी मजबूरी है इसलिए मैं चुप हूं. वरना हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे मुंह में भी जुबान है. एटीट्यूड याद है जब पहली बार मिली थी तो क्या कहा था? जिस चीज के मैं पैसे दे सकती हूँ ना मैं भी उसे तोड़ देती हूँ. ये एटीट्यूड, ये फेक खुददारी मैं 3 दिन में तोड़ दूंगा. तुमने कहा था ना तुम बिकाऊ नहीं. कीमत उसकी होती है जो बिकाऊ, पर मैं बिकाऊ नहीं हूं. 3 दिन गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आओगी और पैसों की भीख मांगोगी और तब तब मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत बताऊंगा. गेट
आउट मिस्टर शिवाय सिंह रॉय। आउट। हेलो सुसु करे चे रिसर्च कर रही हूँ यार, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अजीब निकला, पर ठगने में मजा आएगा। नैनो ठग लेंगे नहीं, नैना ठग लेंगे। गाना तो सही से गा। चल अभी फोन रख, चाकरी कहेगी मजा उसे। पिंकी, मुझे नहीं लगता कि हमें भाई साहब और भाभी के डिवोर्स वाले इशू में घुसना चाहिए। ओ माय माता, आप तो घर में एंटर्स करने से पहले भी ना दो बार सोचते हो, इशू में क्या घुसोगे। और वैसे भी ना ये हमारे शिवाय के फ्यूचर का सवाल है, ऐवी कोई गल नहीं कर रही मैं। पिंकी, तुम शिवाय के फ्यूचर का टेंशन लेना छोड़ दो, वो अपना फ्यूचर खुद बना सकता है। अच्छा, खुद बना सकता है? ऐवी, जब रेडीमेड फ्यूचर हाथ लग रहा हो तो कोई खुद क्यों बनाए। एक बात आप भी जानते हो और मैं भी, ये सब कुछ जो है ना हमारा शिवाय संभालता है, वो दोनों मुस्टंडे तो नलायक है। और जेठ जी आपके एल्डर्स ब्रदर हैं, जब वारिस की बात आएगी ना तो यही लॉजिक लगाएंगे कि सीईओ तो बड़े भाई का पुत्र बनेगा। पूरी फोर्सिंग लगा दी नहीं उन्होंने ओमकारा को वारिस बनाने के लिए। आप तो हाथों में मेहंदी लगा के बैठे रहोगे। अगर रूप मेरी मदद करना चाहती है तो उसमें हार जी क्या है? हाँ, दुश्मन का दुश्मन इज बेस्ट फ्रेंड। तुम रूप को नहीं जानती हो पिंकी, वो मेरी बहन है, मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ। रूप कभी किसी की दोस्त हो ही नहीं सकती, और तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम उससे जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए अच्छा। आपने तो मुझे महा कंफ्यूजन में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ लिख कर कंडक्टर बनना है और अपनी दीदी की हेल्प भी करनी है। अबे वो कंडक्टर नहीं, कलेक्टर होता है, कलेक्टर। थैंक यू बंदरी बुआ बताने के लिए। देख बहुत हो गया, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुझे ना अरे बहुत हो गया है। अरे कहने को तो ये मेरे सगे भाई की औलाद है। अरे तुझे लाए थे अनाथ आश्रम से, तुझे है? और ये मेरे को इतना दुख देता है, सब कहना तेरा ही मानता है ये। बस बहुत हो गया, आज तो मैं इसे चल सपोर्ट। बुआ जी प्लीज, आप इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। और तू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है वो हमसे बड़े हैं, बड़ों के लिए ऐसा नहीं किया करते। हमसे तो क्या, ये छोटे ट्रक से भी बड़ी है। बुआ जी प्लीज प्लीज, आप अंदर जाइए प्लीज। साहिल क्या है ये? लेकिन दीदी मेरी एग्जाम आ गई है और ये मुझे होमवर्क ही नहीं करने दे रही है। तू जा, मैं सब संभालती हूँ यहाँ, तू जा पढ़। कब तक चलेगा? मुझे साहिल की कस्टडी कोर्ट से लेनी ही होगी। वकील सर, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। सर, मुझे साहिल की कस्टडी जल्द से जल्द चाहिए। अनिका, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी पेटिशन रेडी है। बस तुम सुबह 50,000 रुपए लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं पेपर फाइल कर दूंगा
और उसके बाद तुम्हें साहिल की कस्टडी मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं आपको कल मिलती हूँ। पैनकेक्स। वाओ, आई फील लाइक अ क्वीन। मेरे तीनों बच्चे मेरा कितना ध्यान रखते हैं। तीनों? क्यों? मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं क्या? ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इस घर की आधी प्रॉब्लम्स के लिए तू ही तो रिस्पॉन्सिबल है। और दुनिया की सबसे लंबी हग्स के लिए भी। रुद्रा। एक मिनट। जस्ट द लास्ट मिनट टच। Good to go. Bon appetit. Great, Shivai. तुम तो मास्टर शेफ हो। अब जैसे ओमकार आर्टिस्ट है, वैसे तुम भी आर्टिस्ट हो। An artist with food and mommy. And I'm an artist with girl. चुप रह। बेशरम कहीं का। घर के नौकर कहाँ हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। I have an urgent meeting to attend. Breakfast कहाँ है मेरा? You can have this. मैं ऑफिस में कर लूंगा। लेट हो रहा है तुम, प्लीज। थैंक यू। चलो। भाई ये हो क्या रहा है? I don't know man, relationships भी कितने complicated हो रहे हैं। Very complicated। भाई ये लोग कितने अजीब लगते हैं जब लड़ नहीं रहे होते। Guys, मैंने यही तो सपना देखा था। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी सपना देखना पड़ता है। क्या जिंदगी है ना हमारी। Boys, the stuff is very good. I'll have one more. Sure. वकील सर, साहिल की पढ़ाई के नाम पे जो भी मैंने पैसे इधर उधर छुपा के रखे थे वो सब जोड़ के मैंने पूरे कर दिए। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। सर मुझे साहिल की कस्टडी पक्का मिल जाएगी ना? डोंट वरी इनका, कस्टडी पेपर स्टैंप लगाकर आज शाम को मैं तुम्हें फोन करता हूँ। तुम ऑफिस आकर पेपर ले जाना आज शाम को। आज शाम को? हाँ आज शाम। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हो गया सर। उसने मुझे पैसे दे दिए, अब मैं उसके केस। ओके लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिटेल। तो कहा है वो करो, पैसे लो और दफा उसको। ओके सर, ओके। क्या कर रहा है? क्या ये जो तू अपना सिग्नेचर स्टेप करता है ना, सिर्फ दो केसेस में करता है। पहला जब तेरे दिमाग में कुछ मास्टर प्लान, और दूसरा दूसरा जब तुझे स्टाइल मारना है। अब यहां पे खड़े होके स्टाइल तो नहीं मारेगा ना। तो बात ये है कि रुद्र के साथ रह रहकर तेरी आईक्यू भी कम होते जा रही। वैसे डेली थोड़ी आर्ट गैलरीज देखी है। I want you to go have a look at it. Really? Thanks.